फ्रेंड्स आप सबको मेरे चैनल में ही बहुत बहुत स्वागत है और ये जो है पड़ोसी हैं सास भी लगेंगी और कह सकते हैं तो आंटी भी कह सकते हैं तो शादी रात में शादी था और दिन में हमारे यहाँ जो है पूजा होता है तो ब्रह्म बाबा भगवान है उनको घोड़ा चढ़ता है तो वहीं सब पूजने जाते हैं तो उसमें ये तैयार हो के जाने वाली थी तो मैं इनको जो है साड़ी पहना दी हूँ और बाल जो है वो भी कंघी कर दी हूँ तो थोड़ा बहुत तैयार कर दी हूँ इनको और यहाँ पे तो मेरी बेटी अभी नहीं जा रही है वो रात में शादी देखने के लिए जाएंगी तो ये आई थी तो मैं इनको अच्छे से साड़ी पहना दी और तैयार कर दी हूँ और यहाँ पर जो है शादी रात में होने वाला था और शाम को जो है अभी तीन बजे का टाइम है तो शाम को जो है भोज भी होने वाला था तो शादी गांव में अभी जो है बहुत ज़्यादा लगन है दो चार जगह शादी था और यहाँ जो है मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और आज खाना जो है शाम को मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है बस अपने लिए ही बनाना है और फ्रेंड्स दुनिया में किसी का कोई नहीं होता और ये बात जब तक लड़कपन होती है मतलब कम एज होता है तो तब तक लोग समझ नहीं पाते धीरे धीरे ये एह एहसास हो जाता है जब दुख का समय आता है तो माँ बाप भाई बहन कोई भी दोस्त और पड़ोसी कोई भी जो है सारा नहीं होता जब अपने खुशी के लिए माँ बाप शादी कर देते हैं बच्चे कहाँ पर उसको सुख होता है या दुख होता है कोई भी उसका नहीं बाँटता और उसकी शौक तो चली जाती है साथ साथ ज़िंदगी भी चली जाती है और साथ साथ उसके बच्चे को ये सब झेलना पड़ता है उसकी उस औरत के साथ साथ सभी माँ ये नहीं सोचते कि हम बेटी को अपने से अच्छे उम्मीद दें और जब माँ बाप पर अमीर भी होते हैं तो भी अपनी बेटी का उतना नहीं कर पाते और वो दुख जो है खुद अकेले ही भोगना पड़ता है उस आदमी को जब कोई लड़का निकम्मा हो तो उसकी पत्नी को कैसे सुख हो सकता है वो कोई काम नहीं करता हो फिर उसकी शादी कैसे कोई माँ बाप अपने बेटी से कर देता है ये मुश्किल लगती है और आगे की जो आगे उम्र होने के बाद भी नहीं सेटिल होता वो लड़का क्या बाद में कुछ कर सकता है लेकिन माँ बाप अपना भार उतारने के लिए शादी कर देते हैं ऐसे लोगों से तो मन में आती है कभी कभी ऐसी बातें तो बोल देते हैं किससे बोल सकते हैं फ्रेंड से ही कह सकते हैं तो माफ़ कीजिएगा गलत लगे तो और मुझे गर्मी भी थोड़ा बहुत लग रहा था क्योंकि गर्मी आजकल फिर बढ़ गई है इससे पहले इतना नहीं था तो रोटी बेलने में तो पसीना आता ही है और मेरी बेटी बोल रही थी मुझे कि चलो जल्दी से बेल के देखने के लिए और वो खा लेगी और सर को भी कह दिया आया है कि जल्दी आने के लिए क्योंकि देखने जाएगी इसलिए और यहाँ देखिए पूजने के लिए जा रहे हैं कितना गाड़ी सारा लगा हुआ है और ये ट्यूशन पढ़ रहे हैं दोनों और बहुत सारे लोग जा रहे थे मैंने काम ही शुरू किया था कितना देर तक इतना ज़्यादा सूट कर देखिए कितना बच्चे लोग हैं इंजॉय कर रहे हैं खेल रहे हैं सभी तो ये जो है साढ़े ग्यारह बजे का टाइम है और ये बारात आ चुके हैं और ए, मेरी बेटी भी जो है तैयार हो रही थी और वो आंटी थी हैं यहीं पास में जा रहे दोनों तैयार हो रही थी और तो तो ये जो भाई दुल्हन का भाई वो बाइक यहीं पर लगा के और फिर गए थे बारात को आगे अगवानी करने तो के लिए तो दुल्हन के पिता नहीं हैं और ये गाड़ी देखते दुल्हन अच्छा सी नहीं आया है दूसरी जगह थे तो थोड़ा सा ही दुल्हन का आया है और देखिए दुल्हन तो ये सुबह का है कल होके और मैं 10 बजे तक देखिए मेरा बेटा आया था वो देखा कि कैमरा ऑन है तो फिर चला गया तो 10 बजे तक मैंने कुछ भी नहीं किया था ना नहाया नहाई थी ना खाई थी, थी कुछ भी नहीं क्योंकि थका थका साल लग रहा था क्योंकि मैंने रात में लेट करके सोई थी और ये बेटा मेरा तैयार हो रहा है आज सगुन में जाने वाला है एक गाँव में उनका सगुन जो है आज होने वाला था हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसवा हो कि आप सब बहुत, बहुत बहुत अच्छे से होंगे और अभी मैं एक बजे का टाइम है और मैं गाय का घर जो है उसी में हूँ हवा अच्छा रहा था और यहाँ बात करने में भी अच्छा लग रहा था तो मैं सोची चलो यहाँ ही आपसे बातें कर लूँ और कल बहुत ज़्यादा लगन का मुहूर्त था तो शादी था यहाँ गाँव में बहुत ज़्यादा दो चार लोगों का शादी था गांव में और जहाँ पर हम जा सकते थे देखने मतलब मैंने मेरी बेटी तो रात को गई थी ग्यारह बजे और आई थी सुबह में देख के तो जिन लोग के साथ गई थी वो सुबह में आई थी तो अकेले नहीं आ पाती इसलिए तो उनको तैयारी करने में भी मैंने कुछ हेल्प की और बारात इधर से जाता है तो मैं देख लेती हूँ किसी का भी घर पे नहीं जाती लेकिन यहाँ रोड पर देख लेती हूँ और अच्छा लगता है कोई सा भी जाति का जाता हो मैं यहाँ पर खड़ा होकर देखती हूँ अच्छा लगता है सभी डांस करते हैं और इसलिए मैं रात को लेट के सोई थी तो थक गई थी थोड़ा थकावट हो गया था तो बारह बजे मैंने आज जो है नहाई भी हूँ और थोड़ा सा मतलब काम की जैसे तैसे करके काम की और फिर आराम भी किए फिर उठे तो फिर नहाए और खाए और वैसे कुछ कुछ मैं खा ली थी लेकिन खाना नहीं खाई थी सुबह में और आज भी एक शादी है तो मेरा बेटा भी सगुन में गया है तो उस सबको जो है वो खाया भी नहीं था क्योंकि रात में बारात से पहले भी उसे खिला दिया था छः बजे शाम में और बारात जब खा लिया था उसके बाद भी आधी रात को तो आधी रात में वो आया था ढाई बजे शादी देख कर बारात को खाना जो हम सभी परोसते हैं तो उसमें वो भी था तो आज ग्यारह बजे गया है मेरा बेटा और कब आता है देखते हैं टाइम तो कुछ लग जाता है इसमें दो ढाई बजे आएंगे तो ढाई बजे तक का टाइम हो जाएगा और मेरी बेटी अभी सोई हुई है और मुझे भी मन हो रहा था कुछ और आराम करने का क्योंकि मैं नींद से नहीं सोई थी वैसे ही आराम की थोड़ा बहुत तो रात में लड़की की शादी था और हो गया अच्छा से तो अगले वीडियो में आप सबसे मिलूंगी तब तक के लिए बाय टेक केयर